अधिकारी बनाया। तेरी मुरली ने संगम पर सब राज्य अधिकारी बनाया। तेरी मुरली से बाबा सतयुग का है बरसा पाया। मीठे बच्चों की धुन से तेरी बनते जा रहे गुणवा, बनते जा रहे गुणवा। तेरी मुरली बनाती हमें, तेरी मुरली बनाती हमें बाबा हमको बहुत बलवा, बाबा हमको बहुत बलवा। तेरी मुरली के आगे आगे, तेरी मुरली के आगे आगे सदा माया है नाशवान, सदा माया है नाशवान, सदा माया है नाशवान। ओम शांति। बाबा समझा रहे हैं कि तुम हो सेल्वेशन आर्मी। आर्मी का काम क्या है? सेल्वेशन आर्मी किसको कहते हैं? जो डूबे हुए को निकालते हैं, जो रक्षा करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें भी अब सभी को इस माया में जो फंसे हैं, गिरे हुए हैं, उन्हें उठाना है। सभी कर्म बंधन में फंसे हैं, खुद ही कर्म बंधन में नहीं फंसना है। आर्मी को मिलिट्री होती है, उसको भी बार बार अटेंशन अटेंशन बोला जाता है। तो बाबा भी बच्चों को ध्यान खिंचाते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आर्मी ऐसे हो, तुम्हें बार बार अटेंशन दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें तो सदा ही अटेंशन में रहना है। क्योंकि हमारे साथ तो माया दुश्मन भी है। और दूसरा बाबा ने कहा आपका ये ईश्वरीय परिवार है, दैवी कुल की सभी आत्माएं यहाँ बैठे हैं, तो हम सभी एक परिवार के हो गए। इसलिए हमारा आपसी संबंध भी अभी से ही क्या होना चाहिए? एकदम मीठा होना चाहिए, देवताई जैसा होना चाहिए। तो देखना है कि इस देवताएं लोग आपस में कैसे रहते थे। तो ऐसा ही बाले 63 जन्मों का कर्म बंधन का हिसाब किताब भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ही इस परिवार में, दैवी परिवार की आत्माओं के साथ में ही। लेकिन इस समय हमें उन सबको जल्दी से चुप्तु करते हुए और इस स्मृति में रखना है अपने आप को कि हम अभी फिर से ऐसे को दैवी दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारा ये ईश्वरीय कुल है, इस ईश्वरीय कुल में स्नेह प्यार से मधुरता से ऐसे रहना है। आसुरी संस्कार यदि इमर्ज कर देते हैं तो हम आसुरी कुल के हो जाते हैं। इसलिए आसुरी कुल के संस्कारों को तो एकदम अभी ही समाप्त करना है। और एक बात और बाबा बता रहे हैं कि आप सभी लाइट हाउस हो। लाइट हाउस का काम क्या होता है? वो भी रास्ता बताता है। तो आपको भी रास्ता बताना है। भटक रही हैं आज सभी आत्माएं, घर जाना चाहते हैं, क्योंकि सभी दुखी हो गए हैं ना। तो सभी कहते रहते हैं भगवान अभी दुख से छुड़ाओ, तो सबको वो रास्ता बताओ। तो दो रास्ते तो दिखाने हैं, एक तो मुक्ति शांति धाम का और दूसरा सुख धाम का। तो दोनों ही रास्ते बताओ। बाकी शांति धाम तो सबको जाना ही है, और सुख धाम जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब बताना है। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं।
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, उससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। बीज के साथ कनेक्ट होने की, विदेही। उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। उसमें बल भरेगा, तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज। अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वह फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। अटेंशन करते ही बुद्धि कहाँ आ जाए, बाप में जाए। अभी बाबा कहते हैं मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए, है ना। नेचुरल ये प्रैक्टिस हो जाए, बार बार अभ्यास करते रहो। जब भी टाइम मिलता है तो बुद्धि को ऊपर ले जाओ। बाबा इसलिए कह रहे हैं ना कि इससे बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन बाप की याद में हो, बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है, तुमने आत्मा को भी पहचाना है और बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने बिगर तुम विकर्मा जीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते, है ना। क्यों बाबा ये बार बार अटेंशन खिंचाते, बता दिया ना, विकर्मा जीत भी नहीं बन पाएंगे, विकर्म भस्म नहीं हो पाएंगे। तो मूल बात ही यह है, बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं।
वे भी मिलिट्री है और तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, जो गुम हो जाते हैं, है ना, टाइम पर वो सामने आते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, गुप्त हो ना, तुम है मिलिट्री, तुम्हारा भी बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, लेकिन गुप्त हो, दिखाई नहीं देते हो, समय पे प्रत्यक्ष हो जाएंगे सब। तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको ही कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ही नहीं सके, क्योंकि तुम तो गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं कि याद से ही इन विचारों का कल्याण होगा। अभी तुमको बेचारा कहेंगे ना, बेचारा बोल दिया बाबा ने, फिर बोल रहे हैं अभी अभी तो कह सकते हैं ना, क्यों कहेंगे, क्योंकि माया में फंसे हो, भूले हुए बाप को। बाकी स्वर्ग में बेचारे होते नहीं है, बेचारे उसको कहते हैं बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसको। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी आप भूल जाते हो ना बाप को, इसलिए बाबा को बोलना पड़ता है इस समय। लेकिन स्वर्ग में तो नहीं कहेंगे कोई किसी को ऐसा। बेचारे उनको कहा जाता है ना, जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन मैं क्या बेचारा, देखो कैसा है। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है कि तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है, और बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं कि एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो, मतलब शांति धाम को भी याद रखो और सुख धाम को भी, जहां आना है फिर से। तो तुम जैसे कि लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, हल्के होके रहो। बातें तो आएंगी बहुत सारी, लेकिन कैसे रखो अपने आप को, समझो कि हम लाइट हाउस हैं। अब खुद ही भारी हो जाओगे, खुद ही परिस्थितियों का आया और उसमें हम उलझ गए, फंस गए, तो दूसरे को कैसे आप निकाल पाओगे, दूसरों को भी लाइट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा बच्चों को अटेंशन खिंचाते रहते हैं ना, कि तुम कौन हो, आज बता रहे ना, लाइट हाउस हो, सेल्वेशन आर्मी भी हो, लाइट हाउस भी हो। तो खुद लाइट होकर रहो और सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं ना कि नैया मेरी पार लगाओ। कहते हैं हे मांझी, सभी की नैया फंसी पड़ी है, अब उनको सेल्वेज कौन करे। वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेल्वेज करते हो। सभी पांच विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं कि हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ, मुक्त करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे, अभी तो सब फंसे हुए हैं और हम बच्चे अभी निकल आए हैं, लेकिन बाहर बीच बीच में क्या हो जाता है, फंस जाते हो। बाप को बागवान भी कहते हैं ना, इस समय की सभी बातें हैं, तो तुमको फूल बनना है, और अभी तो बाकी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक हैं, अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं, वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं ना, वह तो अपवित्र हो ना सके,
ये भी राज बाबा ने समझाया ना। अब सजाएं खाते हैं वो लोग भी, दुख तकलीफ उठाते हैं, लेकिन वो बाबा ने बताया हुआ है कि वो पवित्र आत्मा सजा नहीं खाती है, तकलीफ नहीं उठाती है, वो तो जिसके तन में आया वो कष्ट भोगेगी, बाकी वो आत्मा तो ऊपर से पवित्र आती है और अपना धर्म स्थापना का कार्य करके चली जाती है। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो वह आती है पवित्र, अपवित्र तो हो ना सके, तो पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों का भी नहीं होता है। जैसे हम भी जब तक पवित्र हैं तो पाप नहीं होगा ना, ऐसे ही दूसरी आत्माएं भी पवित्र आती हैं ऊपर से, वो कभी भी आएगी, भले लास्ट में आती है कलयुग के, तो जब तक पवित्रता की परसेंटेज है वो उससे पाप नहीं होगा। तो हर एक बात पर विचार करना होता है, वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डायनेस्टी भी चलती है, वो धर्म भी स्थापन करते हैं और साथ साथ राजाई भी करते हैं। दूसरे धर्म वालों ने भी तो किया है ना, राजाई की है, जैसे सिख धर्म की भी डायनेस्टी है, सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं चलती, सिख धर्म की हुई, फिर इस्लाम धर्म वालों की भी राजाई चली, क्रिश्चियंस की भी चली, सबकी चली है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनका राजाई भी चलती है, लेकिन केवल सन्यास धर्म है जिसका, क्योंकि उन्होंने तो घर बार ही छोड़ा, संसार से ही दूर हो गए। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म और इब्राहिम ने इस्लाम धर्म। सबके नाम से राशि मिलती है, बाकी देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। धर्म स्थापक कौन है, लेकिन धर्म का नाम अलग। निराकार बाप ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक हैं उनकी तो देह का नाम है, और यह तो देहधारी नहीं है। तो डायनेस्टी नई दुनिया में चलती है, तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो, ठीक है ना। तो अभी रूहानी मिलिट्री समझ के चलते हैं ना, भूल जाते हैं ना खाली भेस से। अभी देखिए कितना कम, मिलिट्री का काम ऐसा होता है, थोड़ा बारिश आई रुक गए, थोड़ा ये हो गया रुक गए, मिलिट्री तो हमेशा अलर्ट रहेगी, अपने आप को तैयार रखेंगे, हाँ खड़े ही रहते हैं, तो अलर्ट रहना चाहिए ना। अभी क्लास में देखो थोड़ा सा बारिश होती है तो क्लास में ही संख्या कम, जबकि साधन है ऐसा नहीं है, साधन भी तो आज है ही है, तो उन साधनों को समय पे यूज करना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते अपने आप को क्या समझो, हमेशा रूहानी मिलिट्री, खुद भी अलर्ट रहो और औरों को भी अलर्ट रखो। तो बाबा कहते हैं अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं तो कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हरेक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम तो आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है। यहाँ तो अटेंशन बोलते ही, वैसे बोलने की बात ही नहीं है, लेकिन बाबा की कहते हैं यहाँ तो कैसे शांत में रहना है, सच्ची शांति, अपने आप को एकदम शरीर से डिटैच करो और बाबा में ले जाओ बुद्धि। फिर बाबा ने कहा तो तुम जानते हो ना कि हमारा तो धर्म ही शांत है,
फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहां तुमको वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। तो बाप समझाते हैं ना कि कैसे अपने को आत्मा समझ और डिटैच होकर बैठो, डिटैच होके अलर्ट होकर। डिटैच होना ही अलर्ट रहना है। जो अलर्ट नहीं रहेगा वो डिटैच हो पाएगा? आंखें ही बंद होंगी। अब मिलिट्री की आंखें बंद होंगी? कल बाबा ने बोला ना, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट के लिए भी कायदा नहीं है, और कमाई वालों के लिए भी कायदा नहीं है, और मिलिट्री वालों का भी कायदा नहीं है। आंखें बंद करके खड़ा हो जाए, आंख बंद करके बैठे रहे। इसलिए बाबा कितने बाबा हमें टाइटल जो दिए हैं, यदि उनको भी याद रखो कि हम कौन हैं। स्टूडेंट हैं हम, आर्मी हैं हम, बिजनेसमैन हैं हम, सच्ची कमाई करने वाले हैं। तो अलर्ट रहें अपने आप से। या अब यहाँ ही देखो, आंखें बंद हो रही हैं बार बार, इतना सुनते सुनते भी आंख बंद हो रही है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम आत्माओं को अभी वापस जाना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। इतने दिन घर को भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्माएं तो वापस जा ना सके। लोग बोलते रहते हैं भले कि दुख से छुड़ाओ, हे भगवान ले चलो, लेकिन ये जानते नहीं है कि जाना ही चाहिए अभी घर में। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो, और तुम तो अपने आप को अभी बार बार लेकर जाते हो घर में। तो वहाँ पर कोई समझाने वाला भी ऐसा नहीं है, और ना वो कहते कि उनको पता किसको याद करना है। या तो बाप समझाते हैं कि याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं ना कि इससे क्या होगा। सोचते हैं बस हम तो भगवान को याद किया। शिव को याद करने से पाप कटेंगे यह किसी को भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज होगा ही, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। क्या आवाज सुनाई देगा? शिव 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 रट रहे हैं ना, तो वो तो गूंज जाएगी आवाज, सुनाई देगा हाँ ये भगवान को याद कर रहे हैं। तो खाली ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। बाबा तो इन सब गुरुओं का अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं, हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, है ना। इनको डायरेक्शन मिला पहले पहले, कितने सारे गुरुओं के इसमें थे। जैसे ही बाप मिला तो कहा, अब इन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु ही तारता है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूं। विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए हैं, है ना। किसके लिए कह देते हैं मांझी? यहाँ बाबा के लिए कहते, भगवान के लिए कहते हैं। तो ये जीवन रूपी नाव को खेने वाला है। तो बाबा ने कहा, बाकी उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण तो आत्मा को कहा जाता है, कहते ना इसकी प्राण निकल गए, तो प्राण ही मतलब आत्मा। ये आत्मा निकल जाती है ना, तो कहते हैं प्राण निकल गए।
फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। अब आत्मा निकल गई, फिर शरीर तो क्या कहते हैं, अभी बेकार हो गया। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, और आत्मा के बिगर तो शरीर में ही बांस हो जाती है, फिर उसको रख करके क्या करेंगे। तो क्या करो, अभी से शरीर से निकलो, डिटैच होकर याद करो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा तो शरीर की वैल्यू क्या है, है कुछ? जब तक आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, तो फिर उसको रख के भी क्या करते कर सकेंगे। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जानवर भी जैसे वो मुर्दा हो गया तो छोड़ देते हैं। सिर्फ एक जानवर है, कौन सा? बंदर। एक ही है बंदर, उसका बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेगा नहीं, लटका कर रखेंगे, है ना। बाबा ने कहा वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। वो पकड़ के रखता है और मनुष्य भी उसको तो जला देते हैं, लेकिन बुद्धि में पकड़ के रखते हैं। तो बुद्धि से तो पकड़ा हुआ ही है। बाबा कहते हैं उस शरीर छोड़ा मनुष्य वैसे क्या करते हैं, शरीर को तो नहीं रख सकते, है ना। भले मोह भी होता है, उससे बहुत मोह है, लेकिन फिर रखेंगे उस शरीर को, मुर्दा शरीर को, है ना। तो क्या कहेंगे थे, जिसको तो जल्दी बाहर निकालो। फिर मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, और फिर जब वहाँ अंदर घुसते हैं, हैं पूजा आदि करके समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुख शमशान की तरफ कर देते हैं और पैर दुनिया की तरफ, ऐसा करते हैं। तो मुर्दा को नहीं घुमाते, पहले तो घुमाते होंगे, जब तो बाबा ने बोला है ना, अभी नहीं घुमाते होंगे। अच्छा, बाबा ने कहा तुमने कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, तो नर्क को लात मार रहा है ना। छोटा सा कृष्ण का एक चित्र है ना, हाथ में स्वर्ग का गोला है और उनका पैर है उस पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। हाँ, कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझा करके फिर कहते हैं, फिर बुद्धि को ले आते एक पॉइंट पर, मन मना भव, सब तरफ घुमा देते हैं, चक्कर लगा दिया, फिर अब आ जाओ मूल बात पे। यही अभ्यास करना है सारा दिन, सारा दिन यही तो अभ्यास है। तो बहुत कुछ करना पड़ता है सारे दिन में, लेकिन बीच बीच में बुद्धि को पॉइंट पर लेते आओ, आराम लगेगा वो। और बुद्धि को ऊपर ले जाओ तो बुद्धि को आराम लगेगा। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुरली की शुरू होने से पहले आकर बैठो 15 मिनट आधा घंटा, ताकि बुद्धि उतने समय में आपकी स्थिर हो जाए, हो जाए। अब आते हैं दौड़ दौड़ के, आए बैठ गए, मुरली शुरू हो गई, फिर उसको सुनने बैठ गए, तो उतना स्थिरता होती नहीं है। बुद्धि बाप में लगी रहे, तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है, सदा के लिए। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को तो याद करना है, याद में आंखें कभी बंद
नहीं करनी है। याद में भी आंख बंद नहीं करना है। किसी को उसके आपसे आप मिलने जा रहे हो, वो सामने आकर बैठा है और आप आंख बंद करके उसके बैठ गए तो अच्छा लगेगा? वो आपसे बात करने आए और आप आंख बंद करके बैठ जाओ तो वो भी खराब बात है। तो इसलिए कोई भी रीति से यहाँ आंख बंद करने का तो सवाल उठता ही नहीं है कि हम आंख बंद करके क्यों बैठे। आप मिलन मना रहे हो तो भी आंखें खोल कर बैठो। बाप को इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप को याद करना है ना, तो याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। विक्की भाई क्या सुना? कोई 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 तो स्त्री का मुख भी नहीं देखते हैं, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र ये फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, यह है दुख धाम। एक आँख में दुख धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। अब ये बोला, पहले क्या बोला? अब ये क्यों बोला बाबा ने? बैठे हो दुख धाम में ना, तो दिखाई भले आपको दुख धाम दे रहा है लेकिन दूसरी आंख को भी यूज करो, दूसरी आंख से सुख धाम देखो, दोनों ही आंख से दुख धाम मत देखो। तो उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, है ना। ये नहीं सोचो अरे बाबा ने गलत बोल दिया, पहले तो शांति धाम बोला अभी दुख धाम, तो भिन्न भिन्न तरीके से बताते हैं ना। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है, जब कोई रास्ते में मिले तो उनको भी बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं ना, वह तो एक दो को राम राम करते हैं, हैं? उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, बोलो, बोल सकते हो रास्ते चलते किसी को? निर्मल शांता दादी जी का सुना है ना अनुभव, तो बोला कश्मीर में जब वो थे ना ऐसे घूम रहे थे तो किस कोई आया, उन्होंने पूछा पहलगाम का रास्ता कहाँ है, तो उन्होंने कहा पहलगाम का तो पता नहीं, परम धाम का पता है। तो कहा अच्छा परम धाम ये क्या है, नया सुना है, क्या है परम धाम? बोला चलो बताते हैं। तो ले आए उधर सेंटर पे और सब दिखाया चित्र वित्र, अच्छा लगा कि तो नया रास्ता, ये नई बात सुनी है, कोर्स शुरू कर दिया, पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। और वो कौन थे भाई पता है? जो शांतामणि दादी जी उनके पिताजी थे, हैं। तो पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। तो ये बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते भी आप किसी को बताओ। कोई पूछे फलाने का रास्ता, तो बोलो ये तो पता नहीं है, या पता है तो ठीक है, वो भी बताते हैं और ये एक रास्ता और बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तो उनको बोलो कि आपको मालूम है ये दुख धाम है, वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, ये तीन चित्र किसी को समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। लाइट हाउस का काम ही है ना, रास्ता दिखा देता है, जहाज इधर से रास्ता है इधर जाओ। यह नैया है ना जो रावण की जेल में लटक पड़ी है, मनुष्य मनुष्य को सेल्वेज कर नहीं सकते, वह तो सब हैं आर्टिफिशियल हद की बातें और ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की भी सेवा यह नहीं है, वास्तव में सच्ची सेवा ये है सभी का बेड़ा पार करना है, सभी विकारों में जो फंसे हैं ना उसको निकालना है। तुम्हारी बुद्धि में है ना कि मनुष्यों की क्या सर्विस करें, तो बाबा कहते ये सर्विस करो, फंसे हैं ना सभी। अब पहले तो कहना है कि तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं है। मिलने का रास्ता तो बाप ही बतलाते हैं, वह समझते हैं या शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा,
ये सोचते हैं वो लोग, कब मिलेगा ये पता नहीं है। तो बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। हम लोग सब कहते हैं बाबा की कि एक को याद करो, बुद्धि एक में लगाओ। जो भी धर्म स्थापक हैं फिर वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारे देते हैं। और वो भी बाबा ने बताया ना, धर्म स्थापक की आत्मा भी आएगी अंत में, और वो भी ये मैसेज तो लेकर जाएगी कि भगवान एक है। इसलिए फिर जब वो धर्म स्थापन करेगी ना, तो ये मैसेज देगी वो भी कि भगवान एक है, और वो कहाँ है, ऊपर है। तो जो बात वो समझ कर जाएगी वो आत्मा, और वहाँ जा कर के फिर ये तो मैसेज देगी, बाकी बाद में फिर उसमें और ऐड हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी ऐसे इशारा देते हैं कि साहिब को जपो तो वह है बाप है सदगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा को कोई नहीं जानते। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहते हैं। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार सच्चा बाबा, वह तो सबका बाबा हुआ है ना। सभी आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहां जब बैठते हो तो इसी धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर के रास्ता बताया है। बाकी तो सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं हैं। सजाएं खा करके फिर सब छूट जाएंगे। छूटना सभी को है, लेकिन वो सजा खा के छूटेंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है, हैं? मोचरा सजा खाकर रोटी लेनी है अच्छा लगेगा? मोचरा भी बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी तो फिर कम मिलती है। थोड़ा मोचरा व सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। सजा कम खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, और जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसको तो बहुत ही अच्छा पद मिलेगा, और ज़्यादा सजा खाएंगे तो पद कम मिलेगा। ये है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, फूल बनना है। हमें कांटा तो नहीं लगाना है अभी। कांटा लगाएंगे तो क्या होगा, कांटे ही बनेंगे और फिर सजा खुद खाएंगे। तो बाबा ने कहा स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, साक्षात्कार किया देख लिया तो क्या फायदा। देखने मात्र से कोई जा नहीं सकते। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले है ना, तब जा सके। सभी तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, है ना, परंतु सारे हिंदू थे देवता, लेकिन वो थे पावन, ये हैं पतित। तो पतित को देवता कहना शोभेगा नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते, पता ही नहीं है उनको। हम बच्चों का मोस्ट बिलीव्ड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे। लेकिन बाप शरीर नहीं है ना उनका, इसलिए बाप तो दूसरे के शरीर में आएंगे।
बाप है निराकार, उनको अपना पांव तो नहीं है ना, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अभी तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, एक हम लोग की दुनिया ही अलग है, अब वो सब है आसुरी दुनिया में, और ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो कि हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी संसार में है, हम ईश्वरीय संसार में है। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं कि वह मेरा घर है और तुम्हारी खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। तुम बच्चों के लिए घर छोड़ कर के आया हूँ मैं। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आऊँगा। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में तो सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बनकर बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वे आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। ऊपर में है ना थोड़ी बहुत आत्माएं, वो आएंगी, लेकिन आने के बाद को यहाँ वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे। समझाते तो बहुत है ना, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं कि हम पवित्र बनेंगे फिर जाकर पतित बन जाते हैं। मधुबन में भी चले जाते हैं, फॉर्म भर के दे दो ना, फॉर्म में भर देंगे, और उनको मालूम है पवित्रता का नियम है ना, उतना समय पवित्र रहेंगे, और उनको बस मधुबन गए एक बार जाके आ गए और फिर पतित बनते हैं। तो बाबा देखो क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं लेकर आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है। दूसरा नंबर है अपने शांत स्वरूप में शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचयिता और रचना का सिमरण करना है। रचता और रचना का सिमरण करना है।
वरदान है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इसका विस्तार है, है? स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग मिलेगा। अच्छा, विस्तार है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है, है? संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त है। कैसे? स्नेह और संबंध की शक्ति। तो एक है बाप के द्वारा सर्व संबंध और दूसरा है दैवी परिवार द्वारा संबंध, है ना? दो संबंध है ना, एक बाप के द्वारा सर्व संबंध से भी ये अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करते हैं और दूसरा है इस दैवी परिवार के द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले बनो। दुनिया वालों के पास तो संबंध की शक्ति नहीं है, है क्या वहाँ संबंध? आज तो संबंध में क्या हो रहा है, और ही दुखदाई हो रहा है। तो संबंध में ना कोई स्नेह है ना ही कोई सहयोग प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा ना, तो ये आपको वरदान मिला, बाबा का बनते ही ये वरदान मिल गया ना। ये वरदान की प्राप्ति हो जाती है कि हमें डबल संबंध प्राप्त होता है। और ये दोनों संबंध कैसे हैं? जहाँ पर निस्वार्थ है, स्नेह भी निस्वार्थ, सहयोग भी निस्वार्थ, तो प्राप्ति हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो इस डबल संबंध का अनुभव करो। जब इसका अनुभव करेंगे तो सदा ही क्या रहेंगे? राजी। फिर अर्जी डालने वाले नहीं होंगे, है ना? स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही, कोई भी प्लान, प्लान बनाते हैं ना, तो कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान विदेही और साक्षी बनकर सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। हल्के भी रहो, मतलब प्लानिंग तो बनानी है ना, सेवा में प्लानिंग तो करनी पड़ेगी और सेवाओं के लिए प्लानिंग करना है वो भी करो, लेकिन फिर अपनी स्थिति को प्लेन रखो, भारी नहीं करो, हल्के रहो। ओम शांति। जीवन निया, निया, जीवन निया।